इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी एमसीयू की 33वीं और 2019 में आई कैप्टन मार्वल की सीक्वल द मार्वल्स आज थिएटर में रिलीज हो गई है और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसका पहला पार्ट देखा है या नहीं, समझ में आ जाएगी क्योंकि इस पिक्चर की कहानी में तीन औरतें हैं जिनके ऊपर ब्रह्मांड बचाने की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी इतनी अहम इसलिए है क्योंकि दुश्मन को समंदर का पानी चाहिए, सूरज की रोशनी, प्रकृति की हवा, जिसका असर होगा पूरे यूनिवर्स का विनाश। लेकिन एक मिनट, दुश्मन ऐसा करना क्यों चाहती है और क्या ये तीनों मिस मार्वल्स मिल करके ऐसा होने से रोक पाएंगी? खैर देखो, इतनी डिटेलिंग तो मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि ऑब्वियसली आपका थिएटर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, पर हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगी कि भाई ये मूवी वाकई में थिएटर में देखने लायक है भी या नहीं। अब देखो, फिल्म की ड्यूरेशन बहुत ही लिमिटेड है, 1 घंटे 45 मिनट, इसीलिए ये फिल्म फास्ट पेस्ड तो है बट स्टिल फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं आप बोरियत महसूस करोगे जब स्टोरी का डेवलपमेंट होगा या यूं कहें कि जब हमें रिविजन करवाया जाएगा, स्पेशली अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो और भी ज्यादा। बट सेकेंड हाफ में आप इसके स्टोरी से और भी ज्यादा हुक हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट दुगना बढ़ जाएगा, स्पेशली जब आपको पिक्चर का मेन मोटिव समझ में आ जाएगा एंड हर पॉइंट पर आप यही फील करोगे कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अच्छाई बुराई पर जीत पाएगी। हालांकि एमसीयू के लिए अच्छाई बुराई का साथ कोई नई बात तो है नहीं, इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स का बेस ही अच्छाई और सच्चाई की जीत पर टिका हुआ है, लेकिन फिर भी द मार्वल्स मुझे उतनी सिमिलर नहीं फील हुई क्योंकि इसमें फीमेल फ्रेंडशिप बॉन्ड है एंड उतना ड्रामा भी नहीं है जितना एक्चुअली होता है। हाँ, एक फैमिली है, सुपर हीरोइंस की लड़ाई में एक फैमिली उन्हें परेशान करने के लिए एंड टाइम टाइम पर उन्हें मोटिवेशन भी देने के लिए, जो इनका पुराना फंडा है एंड कुछ नया भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जो कि एक बहुत ही जायज बात है क्योंकि जब भी आप कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हो ना तो उसको कायम रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो एमसीयू और डीसीयू के हाथ से छूटती जा रही है क्योंकि इनकी कहानियों में कुछ भी नयापन नहीं है। एक यूनिवर्स है जो कॉमिक बुक और सुपर हीरो पर बेस्ड है, उसको आप कब तक खींचोगे या ऑडियंस कब तक इंजॉय करेगी? हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एमसीयू का सीजीआई और वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होता है कि लोग अगर उनके फैन हैं तो क्यों, हर चीज इतनी यूनिक, उसमें भी 3D इफेक्ट टॉप नॉच, एक्शन सीक्वेंसेस इतने जबरदस्त। फॉर एग्जाम्पल, आज एक बिल्लियों वाला सीन दिखाया गया जिनके पास कुछ सुपर पावर थी, वो ऑक्टोपस के हाथ निकाल करके सब कुछ निगलने की क्षमता रख रही थी, भाई इतना रियल लग रहा था, उसको देख करके लग रहा था कि हाँ इनके VFX के सामने एकदम सर झुका दो, लेकिन क्या फायदा, थिएटर में मेरे अलावा सिर्फ 2-3 लोग और थे क्योंकि हर चीज टेम्परेरी है एक अच्छी और यूनिक स्टोरी के सामने। और अफसोस की बात है कि एमसीयू जिस वजह से दुनिया भर में फेमस था ना अपनी सुपर हीरो वाली कहानियों की वजह से, आज वही चीज उसके लिए खतरा बनती जा रही है जिस वजह से एमसीयू अपनी ऑडियंस खो रहा है क्योंकि इनके मेकर्स ने समय के साथ आगे बढ़ने और बदलने वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया। एंड मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एमसीयू और डीसीयू को पूरी तरीके से खत्म होने में। खैर, मूवी एवरेज है, कुछ वुमेन सेंट्रिक स्टोरी, अच्छे विजुअल इफेक्ट्स के लिए तो हाँ आप इसे देख सकते हो, इसलिए मैं फिल्म को दूंगी 5 में से 2.5 हार्ट्स, जिसमें एक पोस्ट क्रेडिट और एक एंड क्रेडिट ऑडियो है, कोई सीन नहीं है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये एमसीयू और डीसीयू के डाउनफॉल का एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है, जो भी आपके दिमाग में आता हो लिखना जरूर। तब तक हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।